दो पाली में परीक्षा हुई है आज, फर्स्ट सिटिंग और ये सेकंड सिटिंग चल रही है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। दरोगा मेंस का एग्जाम शुरू है, प्रथम पाली का एग्जाम हो चुका है, सेकंड पाली की परीक्षा जो है वह शुरू हो गई है। इस वक्त मैं पटना BPSSC कंट्रोल रूम के बाहर और आपको अंदर की तस्वीर दिखाएंगे, जहां देखिए किस तरह से जो है निगरानी एक तरह से की जा रही है और अधिकारी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं वह कंट्रोल रूम का कमांड जो है अपने अनुसार कर रहे हैं और साथ ही साथ कड़ी निगरानी जो है वह की जा रही है। तमाम जो परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहे हैं उन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, जहां भी कुछ ऐसी शंका अगर दिख रही है तुरंत जो है कंट्रोल रूम से जो है कॉल किया जा रहा है और उन्हें हिदायत दी जा रही है। साथ ही साथ आप तस्वीरों के माध्यम से यह भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर परीक्षा में कुछ भी चीटिंग या कुछ और चीज अगर करते पकड़े जाते हैं तो उन पर किस तरह से जो है यहाँ कंट्रोल रूम के द्वारा जो है वह नज़र रखी जा रही है। साथ ही साथ बता दें कि दो पाली में जो है परीक्षाएं ली जा रही है, साथ ही साथ प्रथम पाली का एग्जाम जो था वह हो चुका है, सेकेंड पाली की परीक्षा जो है वह ली जा रही है कंट्रोल रूम से। वो उन तमाम चीज़ों पर जो है निगरानी की जा रही है और साथ ही साथ अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर कुछ करते भी हैं तो वह बक्से नहीं जाएंगे, ऐसा जो है निर्देश जो है BPSSC के द्वारा जो है जारी किया गया है। हाल ही के दिनों में जो है PT की परीक्षा जो है ली गई थी और जो सफल अभ्यर्थी थे वह जो है फाइनल परीक्षा जो है वह दे रहे हैं और कंट्रोल रूम का जो कमांड है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस तरह से हाई लेवल का जो है वह है और जो भी यहाँ अधिकारी हैं वह गिद्ध की दृष्टि जो है वह बनाए हुए हैं ताकि किसी प्रकार का कुछ जो गड़बड़ी हो, जो हाल के दिनों में हमेशा से ये एक आशंका बनी रहती है, लोग एक तरह से अफवाह भी कह सकते हैं कि परीक्षा लीक हो जाती है, पेपर जो है वह लीक हो जाती है, तो ऐसी संभावनाएँ जो है वह नहीं दिख रही है क्योंकि लोगों की जो निगरानी है, जो अधिकारी हैं जो कंट्रोल रूम से तमाम चीज़ों पर जो अपना नज़र बनाए हुए हैं, पैनी नज़र रखे हुए हैं, ऐसे में यह कहना अब मुश्किल होगा कि इसमें कुछ भी गड़बड़ी जो है वह हो सकती है। बात भी करेंगे कि कलेक्शन हो रहा है क्या वहाँ पे, कितनी पाली में परीक्षा ली जा रही है, कितने अभ्यर्थी जो है इसमें शामिल है। दो पाली में परीक्षा हुई है आज, फर्स्ट सिटिंग और ये सेकेंड सिटिंग चल रही है। तमाम बिहार के जो जिलों में सेंटर बनाए गए हैं पटना सहित तमाम जगहों पर? नहीं नहीं, यहाँ केवल पटना में ही सेंटर हैं, 36 सेंटर हैं, 36 सेंटर बनाए गए हैं। तो आपने सुना कि 36 सेंटर पर जो किस तरह से परीक्षा हो रही है उस पर जो है कड़ी निगरानी रखी जा रही है और ये मेंस के बाद जो है उसके बाद जो है फिजिकल परीक्षा जो है ली जाएगी, जो सफल अभ्यर्थी होंगे वह उसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ आपको BPSSC चेयरमैन से भी बात करेंगे और उन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है आप तक जरूर साझा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस परीक्षा को लेकर के संतुष्ट होंगे, किसी तरह का कोई यहाँ गड़बड़ी नहीं है, अगर कोई भी ऐसा पकड़ा जाता है तो उस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ परीक्षा से जो है वह वंचित भी हो जाएंगे 3 सालों का, ऐसा निर्देश जो है पहले ही से जारी है। लेकिन इस बार जो दरोगा मेंस का जो परीक्षा लिया जा रहा है 1275 रिक्त पदों पर, ऐसे में इन तमाम कंट्रोल रूम के जो पदाधिकारी हैं वह गिद्ध की दृष्टि बनाए हुए हैं, ऐसे में बचना असंभव है। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद।